नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कीर्ति मैथिल और आप देख रहे हैं समग्राम न्यूज। देश में बीते 24 घंटों में सामने आए 5,609 कोरोना के नए मामले। अब संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर हो गया है 1,12,000 के भी पार। अब जैसे कि दुनिया भर के देशों में कोरोना के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसी के साथ साथ भारत में भी कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके तहत रिपोर्टर्स की माने तो 180 से भी अधिक देशों में कोरोना अपने पैर पसार चुका है। बता दें कि दुनिया भर को मिलाकर अब तक 49 लाख से भी अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हैं। ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसके तहत स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस के संक्रमितों का आंकड़ा 1,12,359 हो चुका है। बीते 24 घंटों के भीतर कोरोना के 5,609 नए मामले सामने आए हैं और इससे 132 लोगों की मौत भी हुई है। अब तक देश में कुल 3,435 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 45,300 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब रिकवरी रेट लगातार सुधरकर 40.31% हो चुका है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने ट्रेनें चालू करने के बाद लिया फैसला। अब नए नियम के साथ घरेलू उड़ानें भी होंगी चालू। हाल ही में कोरोना वायरस के चलते देश भर में लॉकडाउन का चौथे चरण चल रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा फैसला लिया गया है कि ट्रेनें चालू करने के बाद अब घरेलू उड़ानों को भी चालू किया जाएगा। बताया जा रहा है कि घरेलू उड़ानों को 25 मई से शुरू किया जाएगा। सभी एहतियातन बरतते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा गुरुवार के दिन यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसी के मद्देनजर यात्रियों के लिए हवाई अड्डा टर्मिनल इमारत में प्रवेश करने से पहले थर्मल जांच क्षेत्र से गुजरना आवश्यक रहेगा। इसी के साथ यात्रियों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप रखना महत्वपूर्ण रहेगा। बता दें कि यात्रियों को फ्लाइट में प्रस्थान के समय से 2 घंटे पहले ही पहुंचना पड़ेगा। इसके अलावा अगर उनकी उड़ानें 4 घंटे के अंदर हैं, तो यात्रियों को टर्मिनल बिल्डिंग में जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। सभी यात्रियों को मास्क और ग्लव्स पहनना जरूरी होंगे। यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग से भी गुजरना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में 200 यात्री ट्रेनों के लिए हुई बुकिंग की शुरुआत। 2 ट्रेनें हबीबगंज से होंगी चालू। जानिए क्या है जानकारी। हाल ही में रेलवे द्वारा 1 जून से 200 यात्री ट्रेनें चलने की शुरुआत की मंजूरी दे दी गई है, जिनमें एसी और नॉन एसी दोनों श्रेणियां शामिल हैं। इनकी बुकिंग आज सुबह 10 बजे से ऑनलाइन शुरू कर दी गई है, जिसमें 73 जोड़ी मेल एक्सप्रेस, 5 जोड़ी नॉन एसी दुरंतो, 22 जोड़ी जन शताब्दी शामिल है। इन ट्रेनों में से 13 जोड़ी ट्रेनें भोपाल में रुकेंगी, जबकि 2 ट्रेनें हबीबगंज से शुरू होंगी, जिनमें हजरत निजामुद्दीन की ओर जाने वाली भोपाल एक्सप्रेस और जबलपुर की ओर जाने वाली जन शताब्दी शामिल है। बताया जा रहा है कि ट्रेनों का किराया सामान्य ही होगा। ये सभी ट्रेनें पूर्व निर्धारित टाइम टेबल के मुताबिक चलाई जाएंगी। आइए चलते हैं अपनी आखिरी खबर की ओर। चक्रवात अम्फान ने मचाई तबाही। बीते 6 घंटे के भीतर 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रही रफ्तार 5,500 घरों को हुआ नुकसान। भीषण चक्रवात अम्फान ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बुधवार के दिन तबाही मचाई। इसके बाद अब भीषण चक्रवाती तूफान अम्फान धीमा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार बीते 6 घंटों के दौरान 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ रहा है। अगले 3 घंटे के अंदर इसके और कमजोर होने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा असम मेघालय में आज हल्की बारिश और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि तूफान के कारण बुधवार के दिन पश्चिम बंगाल में हवा की रफ्तार 190 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अनुसार पश्चिम बंगाल के 12 लोगों की मौत होने की अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा 5,500 घरों को नुकसान हुआ है। बता दें कि उड़ीसा के 9 जिले पुरी, गंजम, जगतसिंहपुर, कटक, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, गंजाम, भद्रक और बालासोर प्रभावित हुए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के तटीय जिले पूर्वी मिदनापुर, चौबित दक्षिण और उत्तरी परगना के साथ हावड़ा, हुगली, पश्चिमी मिदनापुर और कोलकाता प्रभावित हुए हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और लगातार नई खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।